1947 से अब 73 और 74 साल हो चुका है इस मुल्क को, खुसूसन बलोच इस्लाम के गयूर अवाम को बदकिस्मती में 73 सालों में जो अवाम के जरियाती जिंदगी जिसमें पानी है, एजुकेशन, बिजली और इरिगेशन के बदाद और मुलाजमत, ये 73 सालों में फिर इतने सुस्त रफ्तारी से समझ गया इनको नसीब नहीं है अवाम को, जिसमें खारा भी शामिल था। बदकिस्मती में हमेशा इस मुल्क में अगर नॉन कैडर के गवर्नमेंटें जब आते हैं, जो कैडर की गवर्नमेंटें नहीं है, नॉन कैडर की गवर्नमेंट है, अगर आप एक डॉक्टर को कहे कि मेहरबानी कर मकान का कोटेशन रखे, डॉक्टर को पता नहीं लगता है कि मकान का कोटेशन क्या कंक्रीट या क्या सरिया, अगर इंजीनियर को कहे कि आओ एक पेशेंट को समझ गया उसको ट्रीटमेंट कराओ और उसका ऑपरेशन कराओ, उस बेचारे इंजीनियर को क्या पता कि किस तरीके से इसका ऑपरेशन होगा। भाई हमेशा हम और आप ना केंद्र के समझ गया गवर्नमेंटों के जर में आए हैं। काश 73 के बाद अगर हमें अभी जैसा कहते हैं देर आमद दुरुस्त आमद, बहुत देर के बाद हमें नसीब हुई जो समझ गया वो क्या था, वो नुमाइंदे थे। अब नान केडर के लोगों को जब लाते हैं फिर चिल्लाते हैं रोते हैं कि भाई इलाके में तरक्की नहीं हो रहा है, आए ये पैसे आ जा रहे हैं, ये फंड आ जा रहे हैं, ये स्कीम आ जा रहे हैं, इनको तो 47 के बाद 73 में जब गवर्नमेंट बने, 1947 के बाद 73 का आयन जब बना भुट्टो ने, तो आयन के बाद हमारे समझिए खुद ब खुद इलाकों के पास आए तो इतने आ गए, मगर जो अरबाब आला जब आते थे बड़े बड़े समझ गया नवाब और सरदार और बड़े बड़े समझ गया कबायली आबादी बैठते थे समझ गया असेंबली में, वो तो हमें बात करने नहीं देते साहब अब कशी बैठे, एक तो हमें कबायली सिस्टम ने कबायली निजाम ने इस बलूचिस्तान को ना शबीना का मोहताज कर दिया। आप देखे ना 73 सालों के बाद आप कोटी में आ पाए, और अफसोस की बात है कोटी में पानी आया जबकि पहले जो है ना टैंक के जरिए पानी पता नहीं या दबा से लाते थे या दरबंद से ले जाते थे, हॉस्पिटल नहीं था, बिजली नहीं था, कोई स्कीम नहीं था। मुझे याद है 1991 से जब हम टर्की में गए वजीराला के साथ ताज जमाली मरुम के साथ, तो कोटी में हमें ब्रेक नहीं किया शायद हमें पानी ना मिले, ये तुम्हारे हाल था, ये आपका अंजाम था, ये आपका इलाका था, तो हमने डायरेक्ट दफ्तर का रुख कर दिया, वहां चीप चाय पी कर ईरान में घुस गए। मेरे भाइयों दुआ करें कि अल्लाह ताला आपसे राजी हुआ, आपको ऐसा मौसम मिला जो तुम मरकज में बैठा हुआ है, एक सूबे में बैठा हुआ है, एक संदक में बैठा हुआ है, इस वक्त इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको उम्र दराज करे और इनको तौफीक दे के अवाम की खिदमत करें। इससे पहले जो है ना मैं 85 से हमेशा लालू प्रसाद की गवर्नमेंट देते, अब लालू प्रसाद क्या करेगा, तो उन गवर्नमेंटों में भी मानते थे देव अल्लाह के नाम पर, अरे दे अल्लाह के नाम पर तुमने लाके तरक्की कैसे कर सकते मेरी जान, नामुमकिन है। एक चीज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ा सा आपका टेम लूंगा, आप दुआ करें समझ गए इस वक्त आपको सही नुमाइंदा अल्लाह ताला ने दिया, साथ साथ आपको एक ऐसे बॉर्डर दिया कि आप मोहताज नहीं है किसी का, आकर हमसे पूछो कि हमारा क्या हाल है खारा वालों का,
ईरान ने अपना दरवाजा खोला। मैं इसका आज तहसीन पेश करता हूँ ईरानी गवर्नमेंट को कि जिन्होंने बलोचों पर रह करके अपना दरवाजा खोला, एक तो वहां से, दूसरा जो है ना, दूसरा जो हमारे गवर्नमेंट देते हैं, अब जो जून में आ गया समझ गया। और एजाज भाई जो है ना, ये यंग है, यंग जनरेशन से भी आ गया है। अगर आप चाहते हो कि इस खिस्से में, इस रक्षा डिवीजन के जो चार डिस्ट्रिक्ट है, हमने उनको कंप्लीट करके चार पांच दिन हम उनके साथ रहे, उसका अजाम हमने सोचा है, देखा है, तो वो इस इलाके को तरक्की देना चाहता है, वो इलाके को समझ गया आगे ले जाना चाहता है, इस इलाके के नौजवानों को रोजगार देना चाहता है, इस इलाके का समझ गया हर सूरत में वो आगे ले जाना चाहता है, बशर्ते कि आप मुक्त सोच के साथ, बशर्ते कि सादिक साहब के साथ आप मुक्त सो, आप इनके साथ भी मुक्त सो। आपको जब मुखलिस लीडर मिलता है तो आपको चाहिए कम अज कम ये चितुमार करे, इससे पहले हमारे क्या जिंदगी था, इससे पहले क्या इलाके में था, तो आपको भरपूर साथ देना चाहिए। अगर आप तरक्की चाहते हो, आप खुशहाली चाहते हो, आप रोजगार चाहते हो, आप बिजली पानी सेहत, तो मेहरबानी करे असली ट्रैक पर आ जाए। ट्रैक पर नथिंग, समझ गया, अगर ट्रैक से आशीर्वाद आउट हो पता कैसे। 1947 से नक्शे तक करते थे, खुशकिस्मत तो शुमा मेरे दोस्तों, आप सब समझदार और तालीम याफ्ता और नोटेबल लोग आए। आप सोचे कि इस वक्त अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजूद में आया, इससे पहले कई पार्टियां भी थे। मैं पीपल्स पार्टी के साथ रहा, भुट्टों के साथ 30 साल हमने भुट्टों के साथ रहा, मेरे भुट्टों का कारकर्दगी देखा, मुतासर होकर मैंने भुट्टो साहब को एक ही बात कहा, मैंने कहा अगर आप जमुने चाहते हो, आप खुशहाली चाहते हो, आप बलूचिस्तान मसावा चाहते हो, तो मेहरबानी करें नौजवानों को आगे लाओ, लोगों का आगे लाओ, फिर समझ गया बलूचिस्तान का नक्शा बदलेगी। और आप लोग के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने एक कामन में पर्सन लाया, व्हाइट कॉलर नहीं लाया आपके लिए, व्हाइट कॉलर, क्योंकि व्हाइट कॉलर जो है ना उसके नजदीक में कानून भी नहीं जा सकता है, एक कॉमन मैन के नजदीक में कानून आ सकता है। आप लोग के किस्मत और मुकद्दर में आप खैरात करो, अपने इलाकों में जाओ, और मैं आपको लेकर दूंगा, अगर बलूचिस्तान अवामी को आप हाल बनाएंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को इस समझ गया धरती में आप इसके लिए काम करोगे, लोग का खिदमत करोगे, लोग के घरों में जाकर उनके मसाइल पूछोगे, लोग के हाल हवाल पूछेंगे, हर सूरत में आपको, आप लोगों को जो है ना, जब काबीना बना, काबीने के जो बनने का ये नहीं कि मैं सदर हूं और आप जनरल सेक्रेटरी है, सदर और जनरल सेक्रेटरी का फंक्शन उस वक्त होता है कि वो जो है कामयाब हो लोग के खिदमत में। मेरे भाइयों, सियासत जो होता है वो झूठे सियासत कहते, दो आदमी जब लड़ते हैं कहते हमेशा सियासत नहीं करो, आपको पता है क्या, क्यों नहीं करो, सियासत को गोली मारो, खिदमत का नाम तो खिदमत। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, अगर एक गरीब का समझ गया दिल खुश करो, मैं आपका और बढ़ाता हूँ। अगर आप दुआ करते हैं तो तुम्हारी तकदीर बदलता है, दुआ किया तकदीर आपका बदला, आपको एक मौसम मिला, मौसम बलोचिस्तान, जनाब मीर सादिक संजरानी साहब, जनाब मीर एजाज नौजवान, और ये इंशाअल्लाह ताला कम अरसे में इसने दिखाया कि मेरा हैसियत क्या है, सादिक साहब कैसे क्या है। मैंने पहले किया बलोचिस्तान पाकिस्तान 47 में बना, 40 को 2020 में समझ गया लोट, आप इसी बारे अफसोस की बात है, 47 में पाकिस्तान बना, कोटी को बिजली पानी सेहत मेगा प्रोजेक्ट, कितना साल हुआ 47 के बाद, कितनी हुआ